नमस्कार, बुंदेली दर्पण की टीम आ पहुंची है बागेश्वर धाम। गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। प्राचीन शिव मंदिर है यहां पर, जहां वहीं पर बजरंग बली का स्थान है, जिन्हें बागेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग यहां पर आते हैं, अपनी मान्यताओं की पूर्ति करते हैं। दूर दराज से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तमाम तरह की मान्यताएँ, तमाम महत्व है इस स्थान का और हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं के लिए अन्नपूर्णा रसोई चलती है, जहाँ कोई भी कहीं के भी श्रद्धालु आते हैं और उन्हें यहाँ पर भोजन मुहैया कराया जाता है सिद्धपीठ के द्वारा। और अन्य तरह की बाधाएं भी हैं, वो भी दूर होती हैं, ऐसी भी लोगों की मान्यताएं हैं। श्री बागेश्वराय नमः। ओम श्री सीताराम समानमाम रामानंदारम समामस्मिदाचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ वर्तमान में तीन पीढ़ी से हमारी परंपरा के संत रहे हैं। तीन पीढ़ी से हमारे पूर्वज यहाँ पर सेवा करते रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में ये पापी दास आया हुआ है। हमारे बाबा भी यहाँ विराजमान रहते थे, वो भी श्री हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम बालाजी की सेवा करते थे। वो भी मानव जीवन की दैहिक दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान करते थे। उनके पूर्व भी एक संत हुए, वो भी हमारी ही परंपरा गर्भ वंश से हुए। तीसरी वंश में तीसरी पीढ़ी में ये दास आया। दासानुदास पर श्री हनुमान जी की करुण कृपा से, गुरुजनों के संतों की चरण रथ से, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये दास जो है 11 वर्ष की अवस्था से ही बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बैठ करके सेवा करने लगा था। और यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज की करुण कृपा से मानव जीवन की दैहिक दैवैक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को समाधान आध्यात्मिकता के बल पर दिया जाता है और आज व्यापक रूप में आपसे बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम आज संपूर्ण बुंदेलखंड का नहीं बल्कि अपितु भारत देश के कोने कोने से लेकर के यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि के अनुयायी भी बागेश्वर धाम पर आते हैं। यहाँ आज के विज्ञान के आधुनिकता के युग में अनुभव करते हैं, तर्क शास्त्री तर्क लेकर के आते हैं। बड़े बड़े न्यूज के चैनल के रिपोर्टर्स, न्यूज खोज करने वाले लोग बागेश्वर धाम पर अनुभव करने आते हैं, अनुभव करते, शोध करते, रिसर्च करते, अंत तो गत्वा वह भी शरणागत होकर के कहते हैं कुछ ना कुछ तो बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में है। और हजारों लाखों अनुयायी यहाँ पर आते हैं, इसलिए आज बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर प्रतिदिन का मेला लगने लगा है। पहले एक दिन लगता था, फिर तीन दिन लगता था, फिर पाँच दिन लगता था, अब सप्ताह के सातों दिन यहाँ पर मेला लग रहा और प्रतिदिन समय है 12, 1 बजे, 2 बजे पीठ पर बैठ जाते हैं तो रात्रि 10 बजे तक मानव जीवन की दैहिक दैहिक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। और जो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं वो यथार्थ रूप से सत्य होता है। विश्वासम फलम दायकम, जो व्यक्ति जितना विश्वास लेके आता है उतनी उस पर कृपा होती, पर इतना है हारे का सहारा बागेश्वर धाम। वर्तमान में अन्नपूर्णा महाभंडारा 8 माह से अनवरत चल रहा है, कोई भी नांगा नहीं है। कोरोना काल जब नहीं था, फरवरी में 26 तारीख को अन्नपूर्णा महायज्ञ प्रारंभ हो गया था और प्रतिदिन 200 से 500 भक्त समुदाय बुंदेलखंड का एक प्रमुख ऐसा स्थान बनाया श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम, एकमात्र ऐसा स्थान बनाया जहां प्रतिदिन आने वाले समस्त अनुयायियों को दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क भंडारा, लंगर, महाप्रसाद अन्नपूर्णा माई की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा, बालाजी की जब तक कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा, ऐसा हनुमान जी के चरण पर विश्वास है। इसके पीछे मात्र यही तर्क है कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह दरबार ही देखने ही। आज के समय में भागते दौड़ते जीवन में चकाचौंध की जिंदगी में कई लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग भगवान को कपोल कल्पना के शब्दों में, चाहे वो मीडिया के कुछ अनुयायी हो, चाहे वो राजपीठ के कुछ अनुयायी हो, और हमारे आपके ही जो हिजड़े हिंदू हैं, सनातनी हैं, वही हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तथा कथित कपोल कल्पनाएं और कहानियां किसी एक और आधार पकड़ करके निरंतर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बागेश्वर धाम एक तमाचा का केंद्र है। और हम तो यही कहेंगे पत्रकार महोदय कि आप अभी तो 1-to-1 कर रहे हैं, आप 5 मिनट जरूर बागेश्वर धाम के दरबार में बैठिएगा और आप स्वयं अनुभव कीजिएगा कि भला कोई बिना बताए कैसे पहले से पर्चे पर लिख सकता है। यही एक विचार का विषय है कि वो आज के युग में कैसे लिख सकता। और हम तो हमेशा कहते हैं, माइक से भी बोलते हैं, अपनी परेशानी किसी को मत बताओ, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो सुता लिख के आएगी, नहीं होगी तो हम भगवान नहीं है, न ब्रह्म है, मानव नहीं है।
महामारी को देखते हुए समस्त समुदाय को एवं भारत देश के भारत देश में व्याप्त सभी समुदाय के वर्ग के लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि प्राचीन परंपराओं को ना अपनाने का ये दुष्परिणाम हम आप भोग रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता को मुसीका लगाया तो हम आप भी मुसीका लगा करके घूम रहे हैं। गौ माता को आपने मारा तो हमने भी लॉकडाउन में डंडे खाए पुलिस के। गौ माता को भोजन नहीं मिला तो त्रासित लोग जो है कोरोना जैसी महामारी में भूखे मरे, कई लोगों के भूखे पेट रह करके प्राण निकल गए। जो गौ माता के साथ हम आपने दुर्व्यवहार किया उसका यह परिणाम। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि प्राचीन परंपराओं को अपनाए, प्राचीन पद्धतियों को अपनाए और राम नाम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर पर नित्य हवन करें। यह प्रतिदिन हुआ करता था। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन घर पर हुआ करता था। आहार व्यवहार प्रतिदिन रोज घर पर खाया करते थे। आजकल होटलों ने देश को बर्बाद कर दिया है, गंदगी खानों ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। गौ माता को घर से निकाल दिया, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया तो उसका दुष्परिणाम कोरोना जैसी महामारी है। मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से, बुंदेली दर्पण के माध्यम से सभी समुदाय से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्राचीन सभ्यता को अपनाएं, वर्तमान की महामारी के बचाव के लिए दो गज दूरी बहुत जरूरी और हरिनाम स्मरण और भगवत स्मरण और प्राकृतिक शुद्ध आहार व्यवहार योग का आप समर्थन जो है शरणागति है। तो मुझे पूर्णतया से कई सालों तक बनी रहे आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी और बहुत ही जल्दी महामारी जाएगी, ऐसा हनुमान जी के चरणों पर मेरी निष्ठा है और प्रार्थना।